हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएनबी ओपिनियम का प्रॉब्लम नंबर 10.4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सिग्नल सिस्टम का जेड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। 10.4 प्रॉब्लम नंबर में कंसीडर द सिग्नल गिवन है। कंसीडर द सिग्नल xn इक्वल टू 1/3 टू द पावर n cos y / 4n n लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, 4n लेस देन इक्वल टू 0 एंड 0 4n ग्रेटर देन 0। Determine the poles and ROC of XZ. XZ बोले तो Z transform of XN. Z transform of XN का pole find करना है और ROC find करना है। तो pole और ROC find करने के लिए Z transform तो find करना ही पड़ेगा। तो ये जो given signal है इसका Z transform find करते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसिक गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। आइए देखते हैं कैसे इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और जेड ट्रांसफॉर्म से पोल कैसे डिटरमाइन करेंगे, आरओसी कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्लॉट करना भी बताऊंगा, पोल जीरो प्लॉट करना भी बताऊंगा। इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग जेड ट्रांसफॉर्म, एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स एन जेड टू डी पावर माइनस एन होता है, क्योंकि एन लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए है वैल्यू, अलग अलग वैल्यू है। एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू जीरो ये वैल्यू है, एक्स एन की वैल्यू 1/3 टू डी पावर एन कॉस पाई बाई फोर एन जेड टू डी पावर माइनस एन प्लस, यहां जीरो पे इस समेशन को फिनिश कर रहे हैं तो दूसरा वाला समेशन वन से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 0 इंटू जेड टू डी पावर माइनस एन। आपको बताया था कि जहां भी समेशन के लिमिट में, जहां भी समेशन के लिमिट में n इक्वल टू माइनस इनफिनिटी दिखे तो तुरंत रिप्लेस करें, रिप्लेस n बाय माइनस एन, रिप्लेस करें n को माइनस एन से, लेट वगैरह करने से बच जाएंगे ना, एकदम शॉर्टकट तरीका है। एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए, क्या बन जाएगा, माइनस एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी, माइनस माइनस कट गया, एन की वैल्यू इनफिनिटी आ गई, माइनस एन इक्वल टू जीरो तो एन इक्वल टू भी जीरो होगा, 1/3 टू डी पावर माइनस एन कॉस माइनस पाई बाई फोर एन जेड टू डी पावर माइनस एन तो प्लस एन हो गया, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। लिमिट उल्टा लिखे सीधा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, 3 टू डी पावर एन कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है जी, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है जी, तो ये कॉस पाई बाई 4 एन बन गया, जेड टू डी पावर एन। अब कॉस को एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करना पड़ेगा, कॉस को हमें एक्सपोनेंशियल, एक और गुंजाइश है, एक लाइन और लिख देते हैं, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी 3 टू डी पावर एन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू ई टू डी पावर जे थीटा प्लस ई टू डी पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, तो लिख दिया जाए यहां ई टू डी पावर जे पाई बाई 4 एन प्लस ई टू डी पावर माइनस जे पाई बाई 4 एन डिवाइड बाई 2 इंटू जेड टू डी पावर एन। अलग अलग सेपरेट सेपरेट थोड़ा कर लिया जाए, ये बन जाएगा 1/2 समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी 3 टू डी पावर एन ई टू डी पावर जे पाई बाई 4 का पावर एन भी लिख सकते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई होकर एक ही बात होगी, जेड टू डी पावर एन प्लस 1/2 एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी 3 टू डी पावर एन, इसको लिख सकते हैं ई टू डी पावर माइनस जे पाई बाई 4 टू डी पावर एन जेड टू डी पावर एन एक्स टू डी पावर एन वाई टू डी पावर एन जेड टू डी पावर एन एक्स वाई जेड टू डी पावर एन पूरा का पूरा हो जाएगा 1/2 समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी 3 ई टू डी पावर जे पाई बाई 4 इंटू जेड का पावर एन होल पावर एन प्लस 1/2 समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी 3 ई टू डी पावर माइनस जे पाई बाई 4 इंटू जेड का पावर एन।
समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्या होता है समेशन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स टू डी पावर एन का एन इक्वल टू ए टू इन्फिनिटी एक्स टू डी पावर एन का समेशन होता है एक्स टू डी पावर ए जब मॉड एक्स लेस देन वन हो, या सिंपल लिख दीजिए एक्स टू डी पावर ए अपॉन वन माइनस एक्स जब मॉड एक्स लेस देन वन हो। आरओसी यही होती है, मॉड एक्स लेस देन वन जो कंडीशन होता है वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी होता है, क्योंकि इस रीजन में कन्वर्ज कर रहा है, अदरवाइज तो इन्फिनिटी हो रहा है। इन्फिनिटी आना किसी की वैल्यू मतलब डाइवर्ज करना, इस रीजन में डाइवर्ज करना, इसको ऐसे बोल सकते हैं रीजन ऑफ डाइवर्जेंस, इस रीजन में डाइवर्ज कर रहा है और इस वाले रीजन में कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला समेशन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स टू डी पावर ए, एक्स की वैल्यू है थ्री टू डी पावर जे पाई बाई फोर जेड टू डी पावर जीरो वन माइनस थ्री टू डी पावर जे पाई बाई फोर जेड, फोर क्या होगा मॉड जेड मॉड एक्स, मॉड एक्स का मतलब थ्री टू डी पावर जे पाई बाई फोर जेड लेस देन वन, कंडीशन यही होगी, इसी कंडीशन में वैल्यू लिख सकते हैं प्लस वन बाई टू थ्री टू डी पावर माइनस जे पाई बाई फोर इंटू जेड टू डी पावर जीरो वन माइनस थ्री टू डी पावर माइनस जे पाई बाई फोर जेड, इसका कंडीशन क्या होगा मॉड ऑफ थ्री टू डी पावर माइनस जे पाई बाई फोर जेड लेस देन वन। आप जानते हैं इंटू डी पावर जे पाई जे थीटा इंटू डी पावर जे थीटा का मॉड वन होता है, थीटा कुछ भी हो इंटू डी पावर जे थीटा का मॉड वन होगा, तो इसका इंटू डी पावर जे थीटा का मॉड यहां भी वन हो जाएगा, इंटू डी पावर जे थीटा का मॉड यहां भी वन हो जाएगा। समथिंग टू डी पावर जीरो वन हो गया, वन बाई टू अपॉन वन माइनस थ्री ई टू डी पावर जे पाई बाई फोर जेड प्लस वन बाई टू वन माइनस थ्री टू डी पावर माइनस जे पाई बाई फोर जेड, ई टू डी पावर जे थीटा का मॉड वन होगा, मॉड थ्री जेड लेस देन वन, ए भी होगा मॉड थ्री जेड लेस देन वन, एलसीएम ले ले, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन बाई टू बाहरी कॉमन ले लेते हैं ठीक रहेगा, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाला टर्म यहां आ जाएगा, ए वाला टर्म यहां आ जाएगा, बटरफ्लाई मेथड इसको बोलते हैं ना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और एक क्रॉस होके ऐड हो जाता है, ये हो गया वन माइनस थ्री ई टू डी पावर माइनस जे पाई बाई फोर जेड, पहले डिनोमिनेटर लिख दो, वन माइनस थ्री टू डी पावर जे पाई बाई फोर जेड 1 माइनस थ्री ई टू डी पावर माइनस जे पाई बाई फोर जेड, ये यहां जाएगा ये यहां पे आएगा, बीच में प्लस है, प्लस 1 माइनस थ्री ई टू डी पावर जे पाई बाई फोर जेड 1 बाई टू 1 प्लस 1 2 हो गया ई टू डी पावर जे पाई बाई फोर प्लस ई टू डी पावर माइनस जे पाई बाई फोर इंटू जेड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वन पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस थ्री ई टू डी पावर माइनस जे पाई बाई फोर जेड, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री ई टू डी पावर जे पाई बाई फोर जेड
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 9 e टू डी पावर j पाई बाई 4z इंटू ई टू डी पावर माइनस j पाई बाई 4 × z, ठीक है, ये हो जाएगा। e टू डी पावर j थीटा प्लस e टू डी पावर माइनस j थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, e टू डी पावर j थीटा प्लस e टू डी पावर माइनस j थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा। अच्छा आरओसी तो लिख ही नहीं रहा, ये दोनों से सेम ही है ना, ये दोनों वैल्यू सेम ही है, तो आरओसी ही आपका हो जाएगा मॉड ऑफ 3z लेस देन 1, ये आरओसी हो गया। तो यहां 2 cos थीटा इसके जगह पर लिख दे, ये बन जाएगा 1/2 2 − 3 × 2 cos पाई बाई 4 z, 1 − 3 कॉमन ले लें तो e टू डी पावर j माइनस पाई बाई 4 प्लस e टू डी पावर j पाई बाई 4 z, ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 9z² आरओसी हो गया, 3 बाहर ले लें तो मॉड जेड लेस देन 1, कॉस पाई बाई 4 आपका 2 कॉमन ले लेता हूं, कॉस पाई बाई 4, ऐसे कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, जरूरत क्या पुट करना, यही अच्छा लग रहा है, ये हो गया 1 − 3 × 3 × 2 cos π/4 z प्लस 9z² 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आरओसी हो गया मॉड जेड लेस देन 1/3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 पुट करेंगे तो एलसीएम होके रहने दीजिए ऐसे ही, कॉस पाई बाई 4 ज्यादा कॉम्प्लेक्स और √2 √2 बेकार सा दिखेगा ना, यही ठीक, 6 cos π/4 z प्लस 9z² आरओसी हो गया मॉड जेड लेस देन 1/3, एक जेड की वैल्यू आएगी, एक्सजेड की ये वैल्यू आई है। अब इसका पोल और आरओसी प्लॉट करना है, तो पोल तो डिनोमिनेटर को जीरो करके आएगा, तो डिनोमिनेटर ही जीरो करेंगे तो या तो इसको फैक्टर करिए, एक तो तरीका है कि इसको फैक्टर आउट करें, दूसरा तरीका ये है कि इसको तो पहले फैक्टर किया हुआ है, इसी को मल्टीप्लाई करके आया है ना, तो इसका फैक्टर तो यही टर्म आएगा ना, अगर देखा जाए तो पोल कहां से आएगा, पोल एट पोल सेट क्या होगा, 1 − 6 cos π/4 z प्लस 9z² = 0, और ये आया कैसे है, इसी को फैक्टर करके आया है, तो इसी को जीरो करके पोल भी आएगा, अलग से फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो इसको फैक्टर करेंगे तो यही सेम ही आएगा। तो व्हेन 1 − 3 to the power j π/4 z = 0, 3 to the power j π/4 z = 0 = 1, यहां से जेड आ गया 1/3 to the power − j π/4, सिमिलरली यहां से भी करेंगे तो when 1 − 3 to the power − j π/4 z = 0, 3 to the power − j π/4 z = 1, जेड इक्वल टू आ गया 1/3 to the power j π/4, तो दो पोल आ गया ना, जेड इक्वल टू 1/3 to the power − j π/4 पे एक पोल आया और दूसरा पोल आया जेड इक्वल टू 1/3 e टू दी पावर j π/4 पे, ऐसे तो पोल जीरो प्लॉट करने नहीं बोला है,
मैं पोल जीरो भी प्लॉट कर देता हूं, दोनों का मॉड करेंगे, दोनों का मॉड करेंगे तो 1/3 ही आएगा ना। अगर पोलर फॉर्म में देखें ना, जेड इक्वल टू आर ई टू डी पावर जे थीटा के फॉर्म में देखें तो यहां पे आर की वैल्यू 1/3 है, थीटा की वैल्यू -1/π/4 है। यहां पे आर की वैल्यू 1/3 है, थीटा की वैल्यू ई टू डी पावर π/4 है। तो आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा हो गया एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से मान लिया 1/3 डिस्टेंस ले ले, 1/3 का एक रेडियस भी ले ले, तो इसी सर्किल पे ओरिजिन से 1/3 डिस्टेंस पे ही आपका ये दोनों पोल लाई करेगा π/4। एंगल जब π/4 होगा और एंगल जब -π/4 होगा, इस एंगल पे यहाँ पे पोल आएगा जेड इक्वल टू 1/3 ई टू डी पावर जे π/4, और दूसरा पोल आएगा -π/4 एंगल पे जेड इक्वल टू 1/3 ई टू डी पावर -j π/4। देखिए डायरेक्ट हमने डायरेक्ट इस तरीके से पोलर फॉर्म में डायरेक्ट पोल प्लॉट करना भी आपको बता दिया कि पोलर फॉर्म में अगर दे रखा है ई टू डी पावर जे थीटा के फॉर्म में कोई पोल दिया हुआ है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि cos π/4 प्लस j sin π/4, 1/√2 प्लस j 1/√2 क्या आएगा, है ना, 1/3 cos π/4 प्लस j sin π/4, 1/3 इंटू 1/√2 प्लस j 1/√2, फिर आ गया 1/3√2 प्लस j 1/3√2, और 1/3√2 माइनस जे 1/2, इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर पोलर में है तो डायरेक्ट आप पोलर में पोल प्लॉट कर सकते हैं। जीरो करना होता तो जीरो भी प्लॉट कर देते हैं, जेड इक्वल टू 1/3 कॉस π/4 है ना। जीरो यहां से निकालते हैं, जीरो कहां पे आता, जेड इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो करेंगे ना इसको न्यूमरेटर को, तो जेड इक्वल टू 1/3 कॉस π/4 मतलब √2/3, 1/3 से तो बड़ा ही होगा तो यहाँ पे थोड़ा दूर आ जाता है, जेड इक्वल टू √2/3 पे जीरो आ गया ना। और आर ओ सी मॉड जेड लेस देन 1/3 है, मतलब सेंटर 0-0 वाले सर्किल का सेंटर 0-0 है और रेडियस 1/3 से छोटा है, तो रेडियस 1/3 का ये सर्किल बन गया और इससे छोटा आर ओ सी। सूरज नहीं है चंबा है, आरओसी लेस देन 1/3 का मतलब ये क्या है, चंदा है, इनसाइड द सर्किल है। तो आ गया होगा समझ में, हमने 10.4 का भी सोल्यूशन कर दिया। धीरे धीरे हम अभी जेट ट्रांसफॉर्म निकालने वाले प्रॉब्लम के का सोल्यूशन करेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ आरओसी करेंगे, फिर इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म, डिफरेंस इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लैपलास का भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अभी छूटा हुआ है, और सर्किट थ्योरी तो लैपलास का छुटा ही हुआ है। जेड में भी ब्लॉक डायग्राम आएगा, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, और जेड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी, पावर सीरीज सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी आती है। तो जेड ट्रांसफॉर्म थोड़ा लैपलास से भी, लैपलास तो खुद अपने आप में बड़ा लंबी चैप्टर था, जेड उससे भी लंबी चैप्टर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर जाइए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।